आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। बलिया जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र में पिछले दिनों सेंट जेवियर्स स्कूल की छात्रा सुप्रिया वर्मा की अध्यापिका द्वारा पिटाई किए जाने से हुई मौत को लेकर मंगलवार को सुप्रिया वर्मा न्याय मोर्चा के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम को सौंपा गया और कार्यवाही न होने पर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, आमरण अनशन व आत्मदाह के लिए बाध्य होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए पत्रक में मृत सुप्रिया के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए दिए जाने, विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई करने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। इसके पूर्व मध्याह्न 12 बजे सुप्रिया न्याय मोर्चा के संयोजक सतीश वर्मा सहित सुप्रिया के पिता संतोष वर्मा, सुनील मौर्य, राजेश कुशवाहा, मथुरा पीजी कॉलेज की छात्र आलोक कुशवाहा, छट्टू यादव, तबरीज आलम, अविनाश सोनी, सनी यादव, राज विजय आदि ने सुप्रिया के आवास पहुंचकर एक सुप्रिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा सुप्रिया के न्याय दिलाए जाने तक संघर्ष का ऐलान किया। मैं संतोष कुमार वर्मा, मैं सुप्रिया के पिताजी पिता हूँ। आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। पिछले 6 फरवरी को जो है बिटिया के विद्यालय में मौत हो गई थी शिक्षिका की पिटाई से, तो विद्यालय द्वारा कहीं ना कहीं जो है प्रबंधक घेरे में आ रहा है और बहुत जल्द छूट गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो प्रशासन से कहना चाहूँगा प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को 6 मिनट में यहाँ रह कर बलिया ले जाकर छोड़ दिया गया। मेरे साथ अन्याय हुआ। मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से चाहता हूँ कि और ऐसी घटनाएं होती रहती है। मैं अपने बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल अध्यापक मिलकर बच्चों के साथ हिटलशाही करते हैं। मैं राजेश कुमार सिंह कुशवाहा सुप्रिया के संबंध में यही कहना चाहूँगा कि पुलिस की रवैया सुप्रिया के परिवार के प्रति, सुप्रिया के प्रति न्यायप्रद नहीं रहा है। अपराधियों के बचाने में एवं उनके साथ मिलने में रहा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इसे पूर्ण रूप से न्याय दें। परिवार की संवेदना में अपनी संवेदना देते हुए परिवार की उचित सहायता करने की मैं अनुरोध करूंगा। यही उस परिवार की सही रूप में श्रद्धांजलि होगी, क्षतिपूर्ति होगी, क्योंकि सुप्रिया अपने परिवार के लिए इकलौती बेटी थी। परिवार की आन बान शान मर्यादा और उसकिल कोई भी मर्यादा थी। सुप्रिया पढ़ने में तेज और एक होनहार छात्रा थी। सुप्रिया से पूरा शहर रसड़ा लगा हुआ था। रसड़ा के जन समुदाय और रसड़ा की जन भावनाएं सुप्रिया के साथ है। रसड़ा की सारी जनता चाहे किसी भी जाति के हों, सभी की संवेदनाएँ संभावनाएँ उसके साथ हैं। हम आज उसके मरने के उपरांत उसे हम अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं शासन से मांग करता हूँ कि उसके साथ न्याय करते हुए उसे उचित दंड अपराधियों को दिया जाए तथा उसे उसके परिवार को संवेदना व्यक्त करते हुए उसे सहायता किया जाए। यही हमारी मांग है, यही सत्ता से हमारी चाह है, यही सुप्रिया के परिवार के कुंवर आरती जी क्या सो आज जो है बिटिया के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, क्या आरोप लगाना चाहते हैं विद्यालय प्रबंधन पर या पुलिस प्रशासन पर? विद्यालय प्रबंधन 100% उसके लिए जिम्मेदार है। चिकित्सा फीस के नाम पर जो है हमसे मोटी रकम वसूली जाती है, जबकि पिटाई के बाद बिटिया जब बेहोश हुई तो उसको ना ही किसी हॉस्पिटल लेके गया जाया गया और ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया गया, और हमको झूठी सूचना 1 बजे दी जाती है कि बिटिया की तबीयत खराब है, जबकि ये तथ्य छिपा करके अपराध को छिपाने का कार्य किया जा रहा है, अपराधी को बचाने का काम किया जा रहा है। ऐसी सूरत में प्रबंधक और प्रिंसिपल मात्र 504-506 IPC सेक्शन के मुलजिम नहीं हैं, तथ्य छुपाने अपराधी को संरक्षण देने के मुलजिम हैं। लिहाजा प्रबंधक और प्रिंसिपल के ऊपर तरमीमी धारा का प्रयोग करते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, और ये 120B IPC सेक्शन के अपराधी हैं, तथ्यों को छुपा रहे हैं, अपराधियों को बचा रहे हैं, संरक्षण। सैकड़ों के तादाद में बिटिया के संवेदना में कैंडल मार्च भी निकाला गया था और पुलिस ने कहा था कि पिता के द्वारा तहरीर दिया गया था, तहरीर में जो है आरोपी प्रबंधक प्रचार के खिलाफ कोई लिखित नहीं था, इसलिए हम कार्रवाई नहीं की थी। इसलिए जो है प्रबंधक जो है और प्रचार मात्र 24 घंटा के अंदर ही छूट गया। इस पर काफी आक्रोश भी था, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
हम कहना चाहेंगे कि तहरीर इंडेक्स टाइप की होती है और तहरीर को जब ब्रीफ किया जाता है इसलिए विवेचना किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में जो आरोप पाए जाते हैं साबित उसमें कार्रवाई होती है, उसमें गिरफ्तारी होती है। पुलिस प्रशासन यहाँ लापरवाही कर रही है कि आईपीसी सेक्शन 161 के तहत आज तक एप्लीकेंट का बयान नहीं लिया और ना ही गर्मी में धारा का प्रयोग करते हुए। कुल मिला के 6 फरवरी की घटना है और पुलिस जो है केवल जो है ढुलमुल रवैया नीति अपना रही है, कहीं ना कहीं बिटिया को आज तक न्याय नहीं मिला है, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं आप लोग जी। और आज संतोष वर्मा जी की वो बेटी थी और वो काफी तेज थी पढ़ने में और उसको मतलब शिक्षक उसको मार के जिसके वजह से उसका सर फट गया और उसकी मृत्यु हो गई ट्रामा सेंटर जाते जाते। और हमारे ट्रामा सेंटर की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, गोरखपुर की दूरी 130 किलोमीटर है, ये जाते जाते कोई समय पर पहुंच नहीं पाता। पूरा मामला ये है कि शिक्षक की पिटाई से, शिक्षिका की पिटाई से जो है छात्रा की मौत हो गई थी। मामला में आप लोग तहरीर दिए थे, तहरीर में पुलिस कह रही है कि प्रबंधक और प्रचार्य का कोई तहरीर नहीं मिला है, इसलिए आरोपी जो छूट गए 24 घंटा के अंदर। आज जो आप लोग बलिया डीएम के आए हैं संज्ञान में, तो पूरा मामला क्या बताए हैं? हम लोग गए हैं बताने के लिए तो उसमें कोई कह रहे हैं खाली विवेचना हो रही है, विवेचना हो रही है, उसमें कोई कार्यक्रम ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। आज बिटिया के न्याय के लिए आज संधानी सभा का भी भव्य आयोजन किया गया था जी जी। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के जो है पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पढ़ो बेटी पढ़ो बेटी, ऐसे में जो है शिक्षिका की पिटाई से बिटिया की मौत हो गई है और बिटिया का न्याय न मिलने से आप लोग मुख्यमंत्री योगी तक भी पत्र भेज चुके हैं जी जी। अब अगला कार्रवाई आप लोग क्या करना चाहते हैं? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है और हमारे काम पूरा नहीं होता है तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। कुल मिला के छात्र संघ भी इस बिटिया के में सहयोग करना चाहता है, छात्र संघ भी सहयोग है। चलिए मीडिया के माध्यम से प्रबंधक और ऑपरेशन की गिरफ्तारी चाहते हैं, पुलिस उसकी आनाकानी कर रही है, विवेचना में नाम लेने का हेल्प कर रहे थे, अभी अब तक की नहीं है। क्षेत्राधिकारी द्वारा आश्वस्त किया गया था कि एक हफ्ते के अंदर हम कर देंगे, आप लोग उसमें क्या हुआ अब तक कार्रवाई? आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड।